हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शॉपी लूट अनबॉक्सिंग लेकर के आ चुका हूँ। मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आज ये आया हुआ है एंड इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। एंड आप देख सकते हो मेरे टेबल पे ये कुछ बहुत ही अमेजिंग सा दिख रहा है। तो जिन्होंने आज वाला वीडियो नहीं देखा है ना सुबह वाला, वो जाकर के वीडियो देख लेना। ये न्यू अनबॉक्सिंग नाइफ मैंने खरीदा है और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था सुबह को आप लोगों को। तो जिन्होंने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, वो जाकर के जरूर देख लेना। यहाँ पे आई कार्ड में लिंक आ रहा है, जाकर के देख लेना। तो इससे यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, ऊपर से आपको नीचे करना पड़ता है, तब जाके इसका लॉक खुल जाता है। एंड उसके बाद आपको बस इस बटन को प्रेस कर देना है। ओ हो, अमेजिंग। तो चलो यार, दिखाता हूँ प्राइस कितना पड़ा है। तो प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 160 रुपीज़। एंड क्या है इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। डब्बा हल्का फटा फटा सा आया हुआ है, तो चलो काट लेते हैं एंड दिखाते हैं क्या है इसके अंदर। अब से इसी से अनबॉक्स करने वाला हूँ मैं। काफ़ी अमेजिंग सा फीलिंग आ रहा है। ये मेरे इस नाइफ के साथ पहला अनबॉक्सिंग है एंड बहुत ज़्यादा शार्प है, देख सकते हो, एंड बहुत ही डेंजरस सा लगता है। तो ये रहा गाइस, आप देख सकते हो इसके अंदर से क्या निकला है। ये रहा मेन प्रोडक्ट। डब्बे को करते हैं साइड और दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट आया हुआ है। एंड आपको ये पता चल चुका होगा कि ये है एक कार झाड़ने वाला ब्रश, इस तरीके का कुछ बन जाएगा इसे अटैच करके। एंड यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है चाइनीज़ में एंड इंग्लिश में, आप इसे पढ़ सकते हो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने हमारे कार के लिए ऑर्डर किया था, कार डस्टर, क्योंकि अक्सर है ना क्या होता है ना कि बार बार धो के गाड़ी निकालने की जगह आप झाड़ के भी निकाल सकते हो जब ज़्यादा गंदा नहीं होता है गाड़ी। तो इससे आप वॉश भी कर सकते हो ऐसा मेंशन था। एंड इससे आप झाड़ भी सकते हो, जो धूल चढ़ी हुई रहती है गाड़ी पे उसे भी आप झाड़ सकते हो एंड इससे गाड़ी धो भी सकते हो। इस तरीके से आपको एक लेदर पाउच की तरह कुछ दिखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक प्लास्टिक का नोजल मिल जाएगा। एंड सिर्फ 160 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा है। ऐसे अदर वेबसाइट्स पे थोड़ा ज़्यादा महंगा बिक रहा था, 250-300 के अराउंड। एंड शायद ये खोल के डिटैच करके हम लोग साफ भी कर सकते हैं इससे अलग करके। एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है माइक्रोफाइबर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कितना अमेजिंग लग रहा है, ओ माई गॉड, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एंड अमेजिंग लग रहा है। अंदर देख सकते हो इस तरीके का कुछ आपको मिल जाएगा, लेदर की तरह मटेरियल है एंड बहुत सॉफ्ट है। आपकी गाड़ी पे ना स्क्रैचेस आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस पे अच्छे तरीके से साइड्स में प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर सिंपल प्लास्टिक का रहता या मेटल का रहता तो उससे गाड़ी रगड़ा करके स्क्रैच हो सकता था, बट इसमें कोई भी चांसेस नहीं है स्क्रैचेस होने का। देख सकते हो बहुत ही घना है एंड बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये झाड़ देगा गाड़ी को। हैंडल को देख लेते हैं, हैंडल किस टाइप का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कुशनिंग दिया गया है इस तरीके से फोम की तरह एंड ये आपका हैंडल है, ग्रैब हैंडल है पकड़ने के लिए। एंड इसे शायद इस तरीके से लूज करके आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। जी हाँ, तो आपने देख लिया, इसे मैंने पूरा लूज करके सबसे ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है तो करीब इतना बड़ा हो चुका है एंड बहुत ही लंबा हो गया है। एंड इसे अगर आपको छोटा करना है ना लेंथ को, तो आपको बस इस तरीके से इसे करके यहाँ पे इसे टाइट कर देना पड़ेगा घुमा करके। उसके बाद ये हिलेगा ढुलेगा नहीं और आपको लूज करके आप इसे लंबा कर सकते हो। इस तरीके से आप लूज करोगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, ये इस तरीके से आपने लंबा कर दिया एंड फिर आपको यहाँ पे इसे घुमा करके टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हो अब इसका लेंथ बहुत ही बड़ा हो चुका है। सिंपल है, बस आपको इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है इस पाइप को एंड इस तरीके से ये इसके अंदर चला जाएगा। और ये रहा गाइस, आपको दिख रहा होगा ये कार झाड़ने वाला हमारा ब्रश बनके रेडी है। एंड वेट की बात करो तो ठीक ठाक है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, वेट है इस पे। एंड पाइप भी अच्छा खासा मजबूत लग रहा है, तो इससे आप गाड़ी झाड़ सकते हो काफ़ी अमेजिंगली, काफ़ी अच्छे तरीके से दूर दूर तक एक ही बार में। इसमें आपका ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, बाहर गाड़ी निकाल रहे हो, कार निकाल रहे हो, तो आपको इसे वॉश भी कर सकते हो कार को आराम से इस तरीके से करके। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लीन कर देगा, वॉश रगड़ रगड़ के आप साफ कर सकते हो। एंड इससे एक्सटेंड करके आप इसके रीच को बढ़ा सकते हो इस तरीके से, इसे लूज़ करके और बहुत ज़्यादा लंबा कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे इसके हाइट मेंशन कर दूंगा जब ये पूरा खुला हुआ रहेगा कुछ इस तरीके से। तो अभी स्क्रीन में आपको इसका लेंथ दिख रहा होगा कि ये कितना लंबा हो जाता है एक्सटेंड करने के बाद। एंड इसे मैं जब छोटा कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा इसका कि इसका लेंथ, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि छोटा करने के बाद इसका लेंथ कितना ज़्यादा हो जाता है। छोटा मैं नहीं कहूँगा, इसको करने के बाद भी इसका लेंथ इतना बड़ा है कि कैमरा फ्रेम में नहीं आ रहा है, बट क्वालिटी वाइज बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। एंड सिर्फ और सिर्फ 160 का पड़ा है, बाकी जगह पे बहुत महंगा मिल रहा था, 350-400 का। तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, शॉपी से मैंने लिया, आप भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। एंड गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या आप ऐसे डस्टर पहले भी यूज़ कर रहे हो और आपका क्या रिव्यूज़ है इनके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, शेयर करना इस वीडियो को और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए। फिर मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद,
जय भारत। Searching for greatness in a sea.